नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के सबसे पहले आप तमाम हमारे मीडिया के तमाम क्रांतिकारी साथियों को मेरे तरफ से क्रांतिकारी जय। साथ में आपके तमाम दर्शकों को जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को भी मेरे तरफ से क्रांतिकारी जय हिंद। आज का जो हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में अन्याय अत्याचार शोषण बढ़ा है, खास करके एस सी एस टी ओ बी सी वर्गों पे ये अपराध बढ़े हैं, और दुख की बात यह है कि जिसके वो ये जिम्मेदारी है कि ऐसे अपराधों पे अंकुश लगाएं, पीड़ित परिवार जो कमजोर हैं, जो वंचित है, शोषित है, उनको सुरक्षा मुहैया करवाएं, ये उल्टा उन्हीं के ऊपर अपने लठ घुमा रहे हैं, उनको ही जो है प्रताड़ित करने का काम करते हैं, उन्हीं का शोषण करते हैं। वजह कई है, उसमें मुख्य वजह जो है एक है कि इन दफ्तरों में बैठे हुए उन वर्दी के पीछे वर्दीधारियों को जो मानसिकता है वो जातिवादी मानसिकता, पूंजीवादी व्यवस्था में लिप्त हुई उनकी मानसिकता जो है उनको हिटलर शाही और तानाशाही बनने पर मजबूर शायद कर रही है, जिसके वजह से इस प्रदेश में और अपने जिला में रहने वाले गरीब समाज के लोग, वो चाहे किसी भी जात समाज से हों, वो सभी जो है दुखी हैं। उनके ऊपर जितनी भी घटनाएं हो रही है उनमें 99% दर्ज केस ऐसे हैं, मामला ऐसे हैं जो आज भी लंबित है, कई वर्षों से, कई महीनों से। कई मामला ऐसे हैं जो बड़े बड़े मामले हैं, हत्या, बलात्कार, जमीन कब्जा, घर तोड़ने जैसे मामलों में जो है केस तक दर्ज नहीं किया जाता है। जब हम जैसे सामाजिक व्यक्ति, भीम आर्मी जैसे सामाजिक संगठन जब सामने आती है तो मजबूरी बस अगर वो केस दर्ज कर भी ली गई तो फरियादी को न्याय नहीं मिल पाता है। ऐसे पूरे जिला में कई केस हैं, हम ये कहें कि गया जिला के तमाम थानाओं में ऐसे कई केस हैं तो गलत नहीं होगा। इस जिला में आज ऐसा है कि सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यक्ति से लेके आप जैसे जो मीडिया कर्मी काम कर रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, और अपराधी के साथ साथ अधिकारियों का भी शिकार हो रहे हैं, वर्दीधारियों का भी शिकार हो रहे हैं ये लोग, जिसको लेकर हम लोगों ने अब एक मुहिम चलाया है कि हम जितने भी सामाजिक लोग हैं और बहुजन समाज के तमाम न्याय प्रिय लोग, संविधान को मानने वाले लोग, अब सड़क पर उतरकर 10 जनवरी 2024 को अपनी एकता की परिचय देंगे, और ऐसे तमाम केसों को हम यहाँ के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ साथ वरीय प्रशासन के लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को 60 दिनों का हम समय देते हैं कि तमाम उन लंबित केसों को जो है कार्रवाई करते हुए, अनुसंधान करते हुए, गिरफ्तारी करते हुए उनके डायरियों को जो है कोर्ट को सबमिट किया जाए, नहीं तो 61वें दिन आप दफ्तर खाली कीजिए, आपके दफ्तरों में जो है हम ताला मारने का काम करेंगे। लेकिन प्रशासन तो बोल रही है कि हम तो बहुत ईमानदारी पूर्वक जो है कि सारे केस पे और मतलब उस पर काम कर रहे हैं। देखिए, प्रशासन जितने भी केस के बारे में आपको जानकारी देती है उससे सभी दर्शकों को धन्यवाद। हम लोग का जो 10 तारीख का जो वरीय पुलिस पर अधिकारी का घेराव है 10 तारीख का, उसी के क्रम में हम लोग आज प्रेस वार्ता किए हैं। अब देख रहे हैं जैसा कि लगातार हम घटना गया जिला में खास करके घट रहा है, और पुलिस के द्वारा केस तो किया जा रहा है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, और उल्टा ही परिजनों पर FIR कर दिया जा रहा है। इसका समाधान कैसे है? संविधान से हम लोग पुलिस प्रशासन को ये धरना प्रदर्शन के हम लोग चेतावनी देंगे कि आप अभी भी समय सुधर जाइए, अर्थात हम लोग पूरे थाना में तालाबंदी करने का कार्यक्रम भी करेंगे। इसके बाद भी इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो फिर भी हम लोग सड़क पर लड़ेंगे। हम लोग हार मानने वाले नहीं है क्योंकि हम लोग भीम आर्मी का लोग हैं, हम लोग कभी हार नहीं मानते हैं। नीतीश रंजन, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष गया। सबसे पहले आपके माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी को पता होगा अभी प्रेस वार्ता के समक्ष में कि आगामी 10 जनवरी को समय लमसम 11 बजे दिन से गांधी मैदान गया में विरोध मार्च निकाला जाएगा भीम आर्मी के समक्ष, जो SSP यानी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का तक आएगी। विरोध का उद्देश्य क्या है जानते हैं? ये विरोध का उद्देश्य यह है हमारे साथियों कि लगातार गया जिला में खास करके दलित समाज को लगातार अत्याचार, उसके साथ अन्याय, कहीं पे मार देना जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, तो कहीं जमीनी विवाद के नाम पे लगातार हत्या बलात्कार जैसे मामला हो रहे, इस पर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है।
एक कहावत है बाबा साहब कांशीराम साहब का की है कि जब भी पुलिस प्रशासन तनाशा हो जाए तो सड़कें सुना नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग सड़क भरने का कार्य 10 तारीख को करेंगे। समाचार पत्र के माध्यम से कहीं ऐसी खबर छपी है जहां 2023 को गया जिला के लिए बेहतर वर्ष कहा जा रहा है, अधिकारियों द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है, इस तरह आप लोग बिल्कुल इस पर मेरा आप सभी को पता होगा कि बेहतर किया गया है, बाकी खास करके गरीब समाज के, खास करके दलित जिसको कोई नहीं पूछ रहा, नीच के पैदान वाले लोगों को लगातार न्याय के नाम पर को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, उसको बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। दलित की बात किए, केवल दलितों के लिए आवाज उठा रहे हैं, नहीं भीम आर्मी SC ST OBC माइनोरिटी के लिए, बहुजन समाज के लिए, बाकी हमारा कहने का मतलब कि खास करके अभी कुछ समय में दलित समाज पे खास करके ज्यादा अत्याचार और शोषण हो रहे हैं गया जिला में। मेरा नाम चंदन आजाद हुआ, भीम आर्मी जिला प्रभारी गया।